हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सूर्य ग्रहण खत्म हो चुका है और सूर्य ग्रहण खत्म होने के साथ साथ जो सूतक काल था वो भी खत्म हो गया, और सूतक काल खत्म होने के बाद आप देखिए इस वक्त मंदिरों के जो कपाट हैं वो भी खोल दिए गए हैं, यानी कि अब श्रद्धालु आ सकते हैं और यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, पूजा जो है वो कर सकते हैं। इस वक्त दिल्ली के प्राचीन झंडे वालान मंदिर की तस्वीरें आप सीधे इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से श्रद्धालु जो हैं सूर्य ग्रहण सूतक काल खत्म होने के बाद वापस से मंदिरों के कपाट खुले और यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर कोरोना काल है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है, तो आप देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर बारी बारी से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर भगवान के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, आरती लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिस सूर्य ग्रहण का इंतजार था, जो साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण था, वो अब खत्म हो चुका है, उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसके बाद ही मंदिर के जो कपाट हैं वो खोले गए हैं। सूर्य ग्रहण अपने आप में कंकणाकृति आकृति का ग्रहण था, सबने अपने वैसे देखना नहीं चाहिए ग्रहण को, लेकिन जिन्होंने भी देखा उसका प्रभाव जनमानस के लिए बड़ा कष्टकारी था, लेकिन भक्तों की भक्ति और परमपिता परमात्मा तो वो स्वयं समर्थ और शक्तिशाली हैं, वो अपने ही प्रभाव से इस रोग शोक संताप को दूर करने वाले हैं। अब उन्होंने हर प्रकार से भक्त वांछा कल्पतरु, वो भगवान की ही हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, सबको दैहिक दैविक और भौतिक सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने वाले, चराचर सृष्टि के रचयिता है, नियमता है और पालन करता है। तो इससे सबकी सुखद कामना के लिए हम भी मंदिर बद्री भगत झंडे वाला देवी मंदिर माँ भगवती के श्री चरणों में नारायणी शक्ति नारायण की हैं, तो उनके से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी सद्भावना के साथ हम सभी की मंगल कामना और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। जय माता की। और इस वक्त दिल्ली के प्राचीन झंडे वालान मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कपाट अभी कुछ देर पहले ही खुले हैं और कपाट खुलने के बाद से ही श्रद्धालु यहां आने शुरू हो गए थे। कोरोना काल है तो लोग भी काफी ज्यादा सुरक्षा बरत रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां लोग पहुंचे थे। हालांकि फिलहाल अभी जो है श्रद्धालु ज्यादा मंदिर के अंदर नहीं है, लेकिन हमें एक श्रद्धालु मिले जो अभी दर्शन करके मंदिर के बाहर है, उन्हीं से जानते हैं कैसा रहा सूर्य ग्रहण। सर, उसके बाद यहां दर्शन करने के लिए आए, कैसी रही पूजा? आनंद आ गया। यहां पे माता रानी की बड़ी कृपा रही, हम लोग 50 वर्ष हो गए बैठे यहां पे आते आते, और 3:04 में खत्म हुए, नहाए धोए, अब चाय पियेंगे, जाके मथुरा का कृष्ण जाएंगे, गौशाला जाएंगे, वहां पे आगे माई की बड़ी कृपा है। ये सृष्टि पे चढ़ गई, इससे अब क्या किया जाए, इसका थोड़ा आदि पालना करेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक हो जाएगा। अब सूरज ज्ञान खत्म हुआ है, अब ये कोरोना खत्म हो जाएगा। जय माता। आपने देखा कि किस तरह से श्रद्धालुओं की श्रद्धा है कि कोरोना काल भी इसी तरह से जो माता रानी की कृपा है उसकी वजह से जल्द ही खत्म होगा। आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु एक एक करके यहाँ पर दर्शन करके पूजा करके यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये वो श्रद्धालु है जो सूर्य ग्रहण की वजह से मंदिर के कपाट बंद थे तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब जैसे ही कपाट खुले हैं मंदिर के तो दर्शन करने के लिए धीरे धीरे करके यहाँ श्रद्धालुओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मदिया खान, एबीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।